टेढ़ागाज प्रखंड क्षेत्र के 12 पंचायतों में किसान अपने धान को औने पौने दाम में बेचने में विवश है। ज्ञात हो कि पैक्स चुनाव खत्म होने के बाद भी पैक्स में धान नहीं खरीदा जा रहा है, सरकारी रेट में धान नहीं खरीदा जा रहा है, जिसकी वजह से किसान हाट बाजारों में औने दौने दाम पर धान बेचने में विवश है। किसान की गहरी मुफ्त कमाई धान है, लेकिन धान की कीमत नहीं मिलने से किसान काफ़ी मायूस है। बहादुरगंज प्रशासन ने सर्वे सड़क को कराया अतिक्रम मुक्त। बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र के समेसर पंचायत अंतर्गत बिलासी गांव में बिहार सरकार 1952 ई सर्वे सड़क में स्थानीय ग्रामीण द्वारा अवैध कब्जा कर रखा गया था। अंचल कार्यालय द्वारा उक्त व्यक्तियों को 4 बार नोटिस भेजने के बाद भी अवैध कब्जा नहीं खाली करने पर आज प्रशासन हरकत में आई। अंचल अधिकारी कौशल इमाम, थाना अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह, RO। मुख्यमंत्री कब्रिस्तान घेराबंदी योजना। कोजादमन प्रखंड के नजरपुर एवं हिम्मतनगर पंचायत अंतर्गत पिपला कब्रिस्तान का 64 लाख की लागत से 4 दरवी निर्माण कार्य का उद्घाटन माननीय विधायक मुजाहिद आलम के द्वारा किया गया, जिसमें पंचायत के जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी एवं ग्रामीण मुख्य रूप से उपस्थित थे। टेढ़ागाज प्रखंड मुख्यालय एवं अंचल मुख्यालय के आगे में टेढ़ागाज अंचल अधिकारी द्वारा अलाव का व्यवस्था किया गया था। इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए अंचल अधिकारी ने जगह जगह पर अलाव लगाकर लोगों को ठंड से कुछ राहत दिलाने का कार्य किया है। सिकटी के एक छोटे गांव के उफरेल डेनिया गांव का शिक्षक भगवान लाल मंडल के बेटी ब्यूटी कुमारी ने मिस अररिया का अवार्ड जीतकर अपने माता पिता सहित जिले का नाम रोशन किया है। मिस अवार्ड से सम्मानित होने पर ब्यूटी कुमारी को बहुत बहुत धन्यवाद स्थानीय लोगों ने दिया है और गांव के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। किशनगंज बहादुरगंज नगर पंचायत बहादुरगंज के वार्ड संख्या 2 के पार्षद राजीव सिन्हा ने वार्ड अंतर्गत दर्जनों गरीब परिवारों के बीच ठंड से निजात दिलाने को लेकर कंबल वितरण किए। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष किशन सिन्हा, सोमू सिन्हा सहित कई ग्रामीण मुख्य रूप से उपस्थित थे। सराहनीय कार्य करने से लोगों में उत्साह। टेढ़ागाज प्रखंड क्षेत्र के मटियारी पंचायत के कई वार्डों में मकई का खेती जोरों पर है। मकई के खेत में कीड़ा लगने से किसान काफ़ी परेशान है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस कड़ी ठंड में भी किसान काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मक्के के खेत में कीड़ा लगने से किसान काफ़ी परेशान। टेढ़ागाज प्रखंड क्षेत्र के मटियारी पंचायत के विभिन्न वार्ड। किशनगंज जिले के टेढ़ागाज प्रखंड क्षेत्र के मटियारी बैलबाड़ी के पास कच्ची सड़क में RCC पुल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। लोग आगमन करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शाम के टाइम में लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। टेढ़ागाज प्रखंड क्षेत्र के ढबेली पंचायत स्थित वार्ड नंबर 13 में लोधावाड़ी में बाल विकास परियोजना के तहत महिला सुपरवाइजर श्वेता कुमारी द्वारा वार्ड नंबर 13 लोधावाड़ी के बेबी बेगम पति तालीम सेवी का पद पर नियुक्त किया गया, जिसको लेटर देकर टेढ़ागाज प्रखंड मुख्यालय में संविधान बचाओ संघर्ष समिति टेढ़ागाज के द्वारा CAA एवं NRC और MPR को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। विशाल धरना प्रदर्शन को कामयाब करने के लिए 3 जनवरी को जहान अली मस्तान क्रिकेट स्टेडियम में एक बैठक आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी तबके के लोग उपस्थित होंगे, जिसमें मुख्य रूप से प्रोफेसर जमील अख्तर, मास्टर सज्जाद हुसैन आरजू, डॉक्टर हसन रजा, शौकत अली, निहाल अहमद मास्टर। कोचादमन प्रखंड अंतर्गत नजरपुर पंचायत के मदरसा बहरुल उलूम बाग टोला अल्ता हाट मदरसा नंबर 609-332 2 कमरा भवन का उद्घाटन 10 लाख की लागत से माननीय विधायक कोजादमन मुजाहिद आलम
के द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में उपस्थित विधायक कुचादाम मुजाहिद आलम मुखिया, प्रतिनिधि मालचंद, सरपंच प्रतिनिधि कुसुमलाल समिति अबूजर गफ्फार, जिला परिषद प्रतिनिधि मंजूर आलम, स्थानीय ग्रामीण बुद्धिजीवी उपस्थित थे। तेरागाज प्रखंड मुख्यालय में CAA NRC के विरुद्ध एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी के सर्वसम्मति से 29 दिसंबर को हैदराबाद से AMIM के अध्यक्ष बैरिस्टर असुद्दीन का आगमन किशनगंज है, उसी को लेकर बैठक आयोजित किया गया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को किशनगंज। तेरागाछ प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा कार्यालय के आगे में जल जीवन हरियाली के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है। कार्यक्रम पदाधिकारी अबू नसर की देखरेख में मनरेगा कार्यालय तेरागाछ के रंग पेंट किया जा रहा है और जमकर वृक्षारोपण किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीर तेरागाछ मनरेगा कार्यालय का है। किशनगंज जिले के तेरागाछ प्रखंड क्षेत्र के खनियाबाद पंचायत स्थित चिचोरा झार में भारत एवं नेपाल के लोग 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाएंगे। वो दिन बहुत जल्द ही आ रहा है। रोज रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर पौराणिक ऐतिहासिक महत्व स्थलों का दर्शन बेहद खूबसूरत और तरोताजा कर देता है। वो एहसास होता है, नई पूर्ति प्रदान करता है। धूमधाम के साथ नए साल हर रोज यहाँ मनाया जाता है। डीजे बाजा के साथ चिचोरा झार में नेपाल और भारत के दोनों ही पड़ोसी मुल्क के लोगों शांतिपूर्वक नए साल मनाते हैं। 1 जनवरी का लोगों को इंतजार है। तेरागाछ प्रखंड क्षेत्र के ढाबर से डाक पोखर जाने वाले मुख्य सड़क 2017 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो जाने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इतने दिन बीतने के बाद भी क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण नहीं हो सका, जिससे स्थानीय लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग आगमन करते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तेरागाछ प्रखंड के डाकखोर पंचायत के धाबर से धाबर तक जाने वाली मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त। किशनगंज जिले के तेरागाछ प्रखंड क्षेत्र के मटियारी पंचायत स्थित वार्ड नंबर 3 में आयुष्मान भारत योजना के तहत बीपीएल परिवारों के बीच गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है। इसी क्रम में मटियारी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में बीपीएल परिवारों के बीच गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है। किसान सलाहकार के देखरेख में लगातार सभी पंचायतों में गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है, वार्ड बाय वार्ड।